पूरा परिचय दीजिएगा। मैं चंद्रशेखर यादव केंद्रीय अध्यक्ष यूथ विंग युवारूम का हूँ, प्लस यहाँ पर शाखा अध्यक्ष भी हूँ। किसलिए विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, हम सभी कर्मचारी यहाँ एकजुट हैं इसलिए कि हम बेचे जा रहे हैं। हम जो है, हम सभी रेल कर्मचारी बेचे जा रहे हैं। अब खरीदार कौन है? उद्योगपति, और वो लोग सरकार के चेले चमचे हैं। और बेचने का तरीका ये है, यहाँ सारे पुलिस हमारे साथ इसलिए नहीं आ रही है, ये खुद इनके पास संगठन नहीं है, ये खुद इनका सारा पावर छीना जा रहा है धीरे धीरे। अभी लागू किया जा रहा है कि पुलिस के भी पावर सीज होंगे, बहुत से कार्य इनको इनसे छीना जाएगा, प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। हर कोई ऐसा एक बंदा बता दीजिए जो प्रभावित ना हो आपकी नीतियों से, सरकार की नीतियों से। आप कहते हैं मैं निजीकरण करूंगा, ये बिल्डिंग आपने नहीं बनाई, आपके बाप दादा ने नहीं बनाई है, हमारे खून पैसे के पैसे से बनी है, हमारे कमाई से बनी है ये बिल्डिंग, और आप बेचने वाले हैं। आपने क्या किया, ये प्लास्टिक का ये लगा दिया है, वो पोस्टर लगा दिया है, वो फोटो चिपका के टंकी हमने बनवाई है, और आप आए सरकार में और वो पोस्टर लगाकर आप हमको बेचने की बात करते हैं। सरकारी चाहिए, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। कैसे आप सरकार जाने के बाद आप देश में कैसे मुंह दिखाएंगे कि बिल्डिंग हमारे पैसे से बनी और आपने अडानी अंबानी को बेच दिया। हम निजीकरण हो रहे हैं, हम युवा जो है नए आएंगे वो नौकरी कहाँ पाएंगे? प्राइवेट, अभी कोरोना आया, रेल कर्मचारी हमने माल कोयला ढोया, अनाज ढोया, दूना चार गुना के स्पीड में ढोया, प्राइवेट वाले भाग खड़े हुए। पुलिस की बात ले लीजिए, अगर पुलिस सरकारी नहीं होती क्या ये कोरोना में आपके चौराहे पर खड़ी होती, हमें आपको नियंत्रित करती? नहीं करती। आज ये सरकार के हैं इसलिए इनकी मजबूरी है, ये खड़े हैं। प्राइवेट हाथों में ये भी चले जाएंगे, ये भी भाग खड़े होंगे कि नौकरी भाड़ में जाए। लेकिन ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हम देश के, उत्तर प्रदेश के, नॉर्दर्न जोन के रेल कर्मचारी और सारे युवाओं से एक अपील करते हैं कि आप आगे आइए, नहीं तो आपका भविष्य चौपट होगा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि बाप, आपके समय तो रेल थी, आपके समय तो पुलिस विभाग था, आपके समय तो ये था, आप कैसे बिकने दिए? आप सो रहे थे? तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैंने आवाज उठाई थी। इसीलिए सभी युवाओं से अपील है कि आप सब बाहर आइए, नहीं तो हम सब बेचे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज रेल बिक रहा है, पुलिस की भी लाइन लग गई है, पुलिस ने लोगों से पूछी है, उनको भी अधिकार छीना जा रहा है। साथियों, मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि निजीकरण को रोकने के लिए सब हमारी मुख्य मांग जो है वो ये है कि निजीकरण टोटल बंद किया जाए। अगर उद्योग को बढ़ावा देना है तो हम खड़े हैं, हमारे पास बीटेक वाले हैं, पीएचडी होल्डर हैं, सारे एलएलबी किए हुए, सब कुछ तो डिग्री है हम लोग के पास। हम लोग को प्रोत्साहित करो, हम लोग को आगे बढ़ाओ, क्यों प्राइवेट ले रहे हो? उनका भी भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो, जब कंपनी चाहेगी तब निकाल देगी उनको, क्यों उनका भविष्य चौपट करने पर तुले हो? इसी कारण से हम अपना निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में भ्रष्टाचार रेल में इतना चरम पर है, 7 करोड़ रुपए की मशीन मंगाई जाती है और उस मशीन को भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ा दिया जाता है। बाहर से जांच कराएंगे, बाहर से सिटी स्कैन कराएंगे, रेल का वो कमीशन मिलेगा अधिकारियों को, इस नाते उस मशीन को ही वापस कर रहे हैं। 7 करोड़ रुपये हमारे खून पसीने का गया है, हमारे खून पसीने का, हमारी पेमेंट कटी है, हम टैक्स दिए हैं, उसके बाद हम बोलने के लिए हम अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है अधिकार भैया? रेल का चक्का जाम करेंगे जरूरत।